टू माई चैनल मैथ्स अकेडमी। टुडे विल बी स्टार्ट प्लेइंग नंबर एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल एडिशन फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द सम ऑफ 78 एंड 87 इज डिवाइडेड बाई। ये दो दिए गए हैं विदाउट एडिशन। इसको जब हम इस चीज को चलते हैं तो यह टू डिजिट नंबर है और टू डिजिट नंबर को जब हम लिखते हैं ए और बी तो इसको लिखते हैं 10a+b हो गया। यदि इसका रिवर्सिंग कर दिए माने उल्टा तो ये क्या लिखेंगे 10b+a। अब इस दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, इसको हम क्या करते हैं एडिंग करते हैं, तो यहां पर क्या बनता है ab+ba इज इक्वल 10a+a 11a+b। ये इसका फार्मूला होता है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो इस चीज को जब हम लिखेंगे इस फॉर्म में तो 87+78 इज इक्वल 11 into 8+7, क्योंकि यहाँ 8 जो हुआ वह आपका a इज इक्वल 8 और b इज इक्वल 7। तो अब यहाँ पर इस चीज को देखेंगे तो यह क्या होगा 11 into 50। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि इज डिवाइडेड बाय, तो अब किससे ये डिवाइडेड होगा 11 से। यदि इस चीज को 87+78 इज इक्वल 11+a+b तो यह हम लिख सकते हैं 87+78 इज डिवाइजेबल बाय 11, देन क्वेश्चन का विल बी एट प्लस सेवन एंड रिमाइंडर विल बी जीरो। क्वेश्चन नंबर टू, विदाउट सब्ट्रैक्टिंग फाइंड द कोशियंट विथ द 95-57 इज डिवाइडेड बाई। अब यहाँ क्या देखेंगे, अभी मैंने एडिंग का बताया तो हम ये जानते हैं टू डिजिट का ए बी इज इक्वल जो होता है टू डिजिट का यह आपका 10a+b होता है, क्योंकि ये चीजें जो होती है इसे हम टेंस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं वंस कहते हैं। और बी ए यह क्या हो जाएगा 10b+a। अब यहाँ सब्ट्रैक्टिंग पे क्वेश्चन हो गया, यह क्या कह रहे हैं कि 95 and 57 95 minus 59। अब यहां देखिए a इज इक्वल आपका 9 हो गया और b इज इक्वल आपका 5 हो गया, क्लियर। अब यहां इसको सब्ट्रैक्ट यदि आप करते हैं तो ab माइनस ba इज इक्वल, अब यहां पर इस चीज को आप देखते हैं तो 10a+b
माइनस 10b प्लस a। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो 10a माइनस a माइनस 10b प्लस b यह हो जाएगा 9a माइनस 9b इज इक्वल 9a माइनस b। अब इसमें केसेस होते हैं, इसे हम केस फर्स्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि केस फर्स्ट में क्या होता है, a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a, उसे हम केस सेकंड कहते हैं। अब इस चीज पे हम यहाँ पर रखेंगे तो आप ये देखिए ab माइनस ba हो गया, तो यहाँ हम डायरेक्ट अब लिख देंगे 95 माइनस 59 इज इक्वल 9 इंटू, अब a इज इक्वल कितना है 9 है माइनस 5, अब यह हो जाएगा 95 माइनस 59 इज इक्वल 9 इंटू 4। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे कि विदाउट एक्चुअल डिवाइडेड बाई, अब किससे ये डिवाइडेड किया जाएगा इस चीज को ये पूछ रहे थे, तो अब यहाँ देखेंगे कि यदि यह डिवाइडेड बाई 9 यदि आप करते हैं तो इसका 4 आता है। अब इसके अपने अलग अलग सबके दिए गए हैं, एक कह रहा है कि 9 से कीजिए, पहला यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या होता है, फोर आएगा। दूसरा इसमें किससे करते हैं, फोर से करते हैं तो यह कितना आएगा 9 आएगा। तीसरा ये भी कह रहे हैं कि यह किससे करते हैं 18 से करते हैं, तो अब इसको थोड़ा सा और तोड़ दीजिए 9 इंटू 2 इंटू 2 तो यह हो गया 18, तो इसका क्या आ जाएगा 2। अब ये देखिए इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया और इसका आंसर ये आ गया, यह आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल एडिशन फाइंड द कोशियंट व्हेन द सम ऑफ नंबर 981 एंड 2 अदर्स नंबर फॉर्मेड बाय इट्स डिजिट एंड अरेंजिंग इन ए साइक्लिक ऑर्डर इज डिवाइडेड by 111, 333, 666 and 18। थ्री डिजिट नंबर, अब थ्री डिजिट नंबर्स में जब हम चलते हैं तो लेट बी ए बी सी, हम क्या मानते हैं थ्री डिजिट नंबर्स, लेट बी ए बी सी, ए बी सी, ए इज इक्वल 100, बी 10 और सी वंस आर यूनिट प्लेसेस। ठीक, अब इस चीज को जब हम चलते हैं, इसको यदि इस चीज को चलते हैं तो अब सम ऑफ, साइक्लिक तो अब ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी यह हो सकता है, तो ए बी सी को जब हम लिखेंगे तो ए बी सी को जब हम लिखते हैं तो यहां लिखते हैं 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, यह हो गया। ठीक उसी तरह से इस चीज को आप लिखेंगे तो 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी प्लस 100
बी प्लस, टेन सी प्लस, ए प्लस, हंड्रेड सी प्लस, टेन ए प्लस बी। अब इस चीज को आप ऐड कर लेंगे, अब इस चीज को यदि ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा। इस चीज को अब देखिए, 100 और 10, 110, इसके बाद 1, तो यह कितना हो जाएगा 111 ए। ठीक सिमिलरली इसी प्रकार 111 बी प्लस 111 सी, इसको हम पूरा क्या लिखेंगे 111 ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ 111 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब यहाँ पर इस चीज को देखेंगे कि यदि 111 से सम ऑफ थ्री डिजिट को यदि हम डिविजिबल करते हैं तो उसका कोशेंट जो होता है वह ए प्लस बी प्लस सी आता है और रिमाइंडर इसका जीरो आता है। उसी पे यहाँ यह क्वेश्चन दिए गए हैं कि इस चीज को यदि यह कह रहे हैं कि 981 मीन्स ए इज इक्वल 9, बी इज इक्वल 8 और सी इज इक्वल 1 दिया गया है, इस फॉर्म पे इसको रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 981 प्लस 8 प्लस ए बी सी हो गया। फिर अब क्या करेंगे बी सी ए, अब फिर क्या करेंगे सी ए बी 198 इज इक्वल। अब इसका हम जानते हैं फार्मूला, यह जो होता है वह क्या होता है 111 इन ब्रैकेट। अब यह देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए के स्थान पे आप 9 रख दीजिए, ए प्लस 8 प्लस 1, इसको यदि आप करते हैं तो यह कितना हो जाता है 111 इंटू 18, ऐड कर लीजिए 9 8 17 118। अब इस चीज को देखेंगे कि यहाँ आपके कोशेंट में क्या क्या दिए हैं 111 मीन्स यदि 111 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका डिवाइजिबल बल बाय 111 तो यह क्या आता है इसका 18। रिमाइंडर क्या होगा इसका सबका जीरो। ठीक फिर क्या कह रहे हैं कि 333 यदि इसको थोड़ा सा और तोड़ दीजिए अब तो मीन्स By 333 तो ये क्या आएगा अब 333 तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका विल बी 6। अब यहाँ कह रहे हैं by 666 तो 666 means 133 into 6 तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ आपका कोशेंट कितना बच गया 3। फिर इसके बाद क्या है आपका कह रहा है एंड 18 एंड डिविजिबल बाय 18 तो इसके कोशेंट कितने हो जाएंगे 18 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100
11 और सबके रिमाइंडर क्या होंगे, वह क्या होंगे, जीरो। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल सब्ट्रैक्शन फाइंड द कोशेंट व्हेन द 981 माइनस 189 इज डिवाइडेड बाय 99, 198 और 396। यह क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस चीज को यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हम इस चीज को यह देखते हैं, थ्री डिजिट नंबर। इन जनरल फॉर्म जो आपको पहले बता चुके हैं, ये जो होगा, ये जनरल फॉर्म जब हम लिखते हैं तो 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, यह आपका थ्री डिजिट का होता है। अब यहां पर क्या दिए कि 981, एक चीज इन्होंने दिया 981 माइनस 189। अब यहां पर ये देखेंगे कि इसका फॉर्म हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं ए बी सी, ठीक। और यदि हम यहीं पर 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए लिख दें तो इसको हम कहते हैं सी बी ए। अब यहां देखेंगे ए 2 हो गया, तो ए बी सी माइनस सी बी ए के फॉर्म में हो गया। अब यहां पर ये चीजें मुझे देखना है, यहां से हम केस बनाते हैं। केस क्या होता है, वह केस ये होता है कि केस फर्स्ट, ए बी सी इज ग्रेटर देन सी बी ए, आर आप और शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन सी। और इसका केस टू जो होता है वह क्या होता है, सी बी ए इज ग्रेटर देन ए बी सी, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं सी इज ग्रेटर देन ए। दोनों के लिए फार्मूले सेम होते हैं, इसमें कोई ऐसा वह होता नहीं है। अब इस चीज को यदि हम चलते हैं तो यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां सब्ट्रैक्टिंग करते हैं ए बी सी माइनस सी बी ए, तो यह क्या होता है 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी माइनस, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यह कितना आता है, 100 माइनस, अब देखिए 10 बी तो कट गया आपका, क्रॉस हो गया। अब 100 ए माइनस ए, यह माइनस है इसलिए यह माइनस हो जाएगा, तो यहां लिखते हैं 100 ए माइनस सी इन ब्रैकेट, क्लियर। यहां क्या हुआ, यह माइनस 100 सी प्लस सी। अब इस चीज को जब हम लिखते हैं इन प्लेस, यहां पर इस चीज को यदि हम लिखते हैं तो यहां पर जब हम इस चीज को लिखते हैं तो यह क्या हो जाता है, तो यह क्या हो जाता है 99 ए माइनस 99 सी। इसको हम लिखते हैं 99 ए माइनस सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार इसको रख दीजिए, 981 माइनस 189
इज इक्वल 99, ये क्या है आपका 9 है माइनस 1, यह हो गया। अब इस चीज को यदि हम देखते हैं तो अब यहां पर इस चीज को और सॉल्व कर लेते हैं, इम्प्लाइज दैट 981 माइनस 189 इज इक्वल 99 इंटू 8, हो गया क्लियर। 981 डिवाइड माइनस 189 इज डिवाइडेड, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, यहां दिया गया 99। यदि हम 99 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 99 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, क्वोशेंट कितना बचता है बोलिए, क्वोशेंट आपके पास 8 बचता है। तो विल बी क्लियर। फिर 981 माइनस 189 इज डिवाइडेड बाई, अब देखिए सेकेंड में क्या लिखा है 8, यदि 8 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशेंट कितना बचेगा 99। तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं, हमेशा हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं 198, 981 माइनस 189 इज डिवाइडेड बाई 198। अब 198 को यदि आप थोड़ा सा तोड़ना चाहते हैं तो इसको तोड़ दीजिए, 99 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यह 198 हो गया। तो आपके पास कौन कोशेंट कितना बचा, इसका कोशेंट कितना हो गया 4। इसके बाद क्या हुआ 396, 396, 981 माइनस 189 इज डिवाइडेड बाई 396, 396 मतलब अब इस चीज को 99 को ये आप किए तो ये 198 हो गया था। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 396 इंटू 2, तो यहाँ कोशेंट कितना बचा 2। देखिए सिंपल सा, कहीं आपको कोई ने मल्टीप्लाई करना पड़ा, ने डिवाइड करना पड़ा, ने सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ा, बस फार्मूला आपको याद है। तो ये सारे क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के आप कर लो।